राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बने। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सरस्वत ने अपने कार्यालय का उद्घाटन अपनी 104 वर्षीय माता और गुरुजनों से करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के आखिरी दिन ज्ञानचंद सरस्वत देव दर्शन के लिए निकल गए, जिससे कि उनका संपर्क कोई ना कर सके और उन्हें वापस बैठने के लिए दबाव भी नहीं बनाया जा सके। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे ज्ञानचंद सरस्वत ने कहा कि उन्हें जनता ने ही चुनावी मैदान में उतारा है और वही अब उनकी नैया पार लगवाएगी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जबकि उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें केवल 2 से 3 वार्ड के अंदर ही सीमित बताया था। अजमेर की विभिन्न समस्याओं के साथ ही लगातार विधायक वासुदेव देवनानी को टिकट दिए जाने के विरोध में मैदान में उतरे और इस दौरान अजमेर में परिवर्तन की मांग करने वाली टीम द्वारा भी उनका सहयोग किया जा रहा है और आम जनता का समर्थन ज्ञानचंद सरस्वत के साथ होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी भी खड़ी हो गई है। ऐसे में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला रोचक हो सकता है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता मैदान में है तो वहीं 12 व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किशन गुप्ता, अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष, सब अजमेर के निवासियों और अजमेर के व्यापारियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामना देता हूं। और मेरा कस्तूरी परिधान, जो मेरी प्रतिष्ठान है, यह सभी के लिए बहुत अच्छा व्यापार चलने की सबको उम्मीद देता हूं। और मेरा यह कहना है कि यह दीपावली त्यौहार, जो बहुत हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार कहलाता है, इस बार व्यापार अच्छा चले और हर व्यापारी के लिए सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो और धन धान्य से भरपूर हर व्यापारी अपना व्यापार करे। जैसे चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मैं चुनाव में सहभागी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हमारे शुभ कार्य की शुरुआत देवदर्शन से होती है। 2 दिन के देवदर्शन और यात्रा के बाद आज लौटा हूँ। मुझे भाई बताया गया कि कार्यालय का उद्घाटन है। जब उद्घाटन की बात आई तो मेरा कौन से नेता आ रहे हैं कि साहब कोई नेता नहीं आ रहा, आपके नेता कौन है? जनता ने आपको खड़े किया, जनता ही आपके नेता है। तो हमारे साथियों ने एक नवाचार करते हुए 104 वर्ष वृद्धा माता जी हैं मेरी और भगवान स्वरूप गुलाब देवी जी हैं, देवी स्वरूप, उनसे लाके कार्यालय का उद्घाटन कराया है। साथ में हमारे गुरु गोरक्षनाथ संप्रदाय के गुरुदेव जी भी साथ में हैं, गोवर्धनाथ जी, और बहुत सारे संत लोग हैं। और एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे मातृशक्ति और मेरे भाई बहन और मेरे जिन्होंने 36 कौम यहाँ साथ खड़ी है। और जो कोई कहता था कि 1-2-3 वार्ड तक सिमटा हुआ है, वो आज जरा नज़र, अभी तो मैंने तो बाहर दौड़ा ही नहीं है, नज़ारा दौड़ा ले क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में इतनी संख्या होती है क्या? तो ये मैं इनका साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया है जनता ने, और वही जनता आज मेरे को चुनाव कार्यालय खुलाने के लाई है, वही जनता नामांकन भराने के लिए गई थी, और वही जनता मतदान के दिन मतदान करेगी और अजमेर एक नए इतिहास की ओर बढ़ेगा।